नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों ये है हुंडई की क्रेटा, इसमें लेफ्ट पुलिंग की प्रॉब्लम है और ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं। इनका जो स्टीयरिंग है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें जब भी कोई काम होता है सस्पेंशन वगैरह का तो ये दिक्कत आने लगती है। ये यहाँ पे स्टीयरिंग आपको पकड़ कर रखना पड़ता होगा, पकड़ रखना पड़ता है यहाँ इतने उसमें। स्टीयरिंग छोड़ते इधर चली जाती है। तो दोस्तों इसमें लेफ्ट पुलिंग की प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग को छोड़ते ही गाड़ी एकदम से लेफ्ट को चली जाती है। तो इसमें क्या है, सस्पेंशन खोलते हैं ना मैकेनिक, स्टीयरिंग को टेढ़ा कर देते हैं। अब वो इसमें क्या है, वो सेंसर वहीं अपनी तरफ खींचता है। अब ये इसका यहाँ राइट में पकड़ कर रखना पड़ रहा है इतना टेढ़ा, तब सीधी चल रही है। स्टीयरिंग अपना सीधी उस पर वो तो अपनी जो अपनी तरफ खींचता है, उससे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी दोबारा, उसमें स्टीयरिंग सेट करना पड़ेगा। वैसे तो सही हो जाएगा लेकिन बाय चांस 1% अगर कोई दिक्कत आई तो फिर वो कैलिब्रेशन का जो पड़ा। तो दोस्तों इस तरह से गाड़ी हमने अलाइनमेंट पर लगा दी है और अलाइनमेंट इसका देखो स्टार्ट हो चुका है। स्टीयरिंग पे हमने पहले ही निशान लगा दिया था, ये स्टीयरिंग इतना तिरछा है। अब हम इसको अगर यहीं पे रखते हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो एकदम बराबर आएगी, यानी प्लस प्लस में बराबर आएगी या माइनस माइनस में बराबर आएगी। और हम जैसे ही इसको स्टीयरिंग को सीधा करते हैं तो सीधा करते ही रीडिंग आपकी प्लस माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको स्टीयरिंग को सीधा लॉक कर देते हैं और जो हमारी रीडिंग आएगी वो प्लस में और माइनस में आएगी। जैसे ये देखिए माइनस में 3 डिग्री और इधर प्लस में 1.5 डिग्री के आसपास। तो इसमें देखिए ये सस्पेंशन का काम हुआ है, चिमटे बदले गए हुए हैं, शॉकर भी बदले गए हैं और उसके बाद फिर इसमें टायर वायर भी डले हैं। तो ये अलाइनमेंट हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और उसमें स्टीयरिंग भी आपका सीधा हो जाएगा और आपकी जो गाड़ी की पुलिंग की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। तो अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये टो को मिला रहे हैं और टो मिलाते ही इसका स्टीयरिंग सीधा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये अलाइनमेंट भी हो गई है और स्टीयरिंग भी आपका सीधा हो गया है। तो अब इसको चला के देखते हैं। अब दोस्तों इसका अलाइनमेंट किया है और अलाइनमेंट में स्टीयरिंग को सीधा किया है, थोड़ा सा स्टीयरिंग इसका राइट में तिरछा था। तो अभी देख के आपको चला के दिखाते हैं गाड़ी सीधी चल रही है या नहीं। ये स्टीयरिंग आपका सीधा है यहाँ पे और गाड़ी लगभग अब सीधी है, देखिए एकदम से सीधी चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली, इनमें कोई अगर आप सस्पेंशन का काम करते हैं या गाड़ी आपकी कहीं हिट हो जाती है, डिवाइडर से टकरा जाती है, तो स्टीयरिंग तिरछे की प्रॉब्लम आ जाती है और गाड़ी एक तरफ पुलिंग करने लगती है। तो इन गाड़ियों का जो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है। थोड़ा भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर इसीलिए आइडिया कम लग पाता है। वैसे देखिए आपका ये स्टीयरिंग एकदम सीधा है और गाड़ी यहाँ सीधी चल रही है। दोस्तों इस तरह से अगर इसकी पुलिंग अगर ऐसे बंद नहीं होती तो फिर हमें इसका स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन करना पड़ता, क्योंकि कैलिब्रेशन आउट होने से भी अक्सर कर पुलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे इसका स्टीयरिंग तिरछा था जो अलाइनमेंट में सही हो गया, तो गाड़ी ठीक हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी की ये जो पुलिंग की समस्या है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टीयरिंग सेंसर वाली गाड़ी है इसमें ये प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन होने के बाद। अलाइनमेंट में अगर थोड़ा सा स्टीयरिंग हमारा लेफ्ट या राइट हो जाता है तो गाड़ी उसी हिसाब से पुलिंग करने लगती है। तो अब फिलहाल गाड़ी एकदम ठीक है। तो दोस्तों आपकी कार में भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं अपने चैनल अलाइनमेंट गुरु पर। तो हमारे चैनल को देखते रहें और ऐसी जानकारी लेते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।